रजत है हमारे साथ, कमोडिटी में क्या हो रहा है ये देखते हैं। रजत बताइए जी। बिल्कुल, फोकस तो रहेगा दो कॉमोडिटीज पे, एक तो गोल्ड और दूसरा क्रूड, क्योंकि क्रूड इंटरनेशनल मार्केट पे स्लाइड होता चले जा रहा है, लेकिन गोल्ड पे जो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, खासतौर से यूएस से जो भी संकेत हैं वो इंपैक्ट डाल रहे हैं इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस पे। कल भी कॉमेक्स पे 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी, और घरेलू बाजार पे जो कीमतें हैं वो 400 पॉइंट्स का एस्केलेशन दिखा रही थी। M6 गोल्ड दिसंबर वायदा के मैं बात कर रहा हूँ, और जो लेटेस्ट पोल्स हैं ऑब्वियसली वहां से तो कंफ्यूजन बढ़ी रहा है, लेकिन अब इंपैक्ट देखना होगा आज के सत्र में, क्योंकि इक्विटी मार्केट पे एक पुल बैक है, तो हो सकता है पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस पे जो गोल्ड पे एक पुल बैक हुआ है आज थोड़ा थमता हुआ नजर आए। देखना होगा शुरुआत कैसी होती है प्रेशियस मेटल्स की। ऊपर से फेड ने ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, 0.25% से 0.5% पे ब्याज दरों को स्थिर रखा है। दिसंबर में रेट बढ़ोतरी की उम्मीद अब कहीं ना कहीं बढ़ गई है, ये भी बाजार फैक्टर इन करेगा। फेड का ये कहना है कि दरें बढ़ाने के लिए अब आर्थिक माहौल सही है, ये मौका है दरें बढ़ाने का, और जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब खत्म होंगे अगली पॉलिसी बैठक यानी कि 13-14 दिसंबर को रेट हाइक पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ साथ नजर रखनी होगी क्रूड पे, क्योंकि अब जो यूएस इन्वेंट्री फिगर्स आई हैं वो रिकॉर्ड स्तरों पर है, उसका इंपैक्ट क्रूड ऑलरेडी झेल चुका है इंटरनेशनल मार्केट पे, कल के सत्र पे भी डेंट पड़ा, और घरेलू बाजार में भी कीमतें जो है वो टूटती हुई नजर आई थी, 2% के आसपास की गिरावट हमने देखी थी। M6 गोल्ड अब जो शुरुआत हुई है वो 30,594 के लेवल पे, जो मैं बात कर रहा था, आज ऊपरी स्तर पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग विजिबल है साफ तौर पे संकेत, क्योंकि अब इक्विटी मार्केट पे एक पुल बैक था तो प्रेशियस मेटल्स से आउटफ्लो थोड़ा होता हुआ नजर आया। M6 सिल्वर फिलहाल 0.3% गिरावट शो कर रहा है, 43,947 का लेवल। क्रूड बाउंस बैक कर गया तगड़ी बिकवाली के बाद, निचले स्तर से एक पुल बैक है, 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, 3,055 का स्तर। नेचुरल गैस पे अब 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है, 185.20 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। अन्य कमोडिटीज कॉपर बिल्कुल फ्लैट, बायस थोड़ा सा नेगेटिव, एक माइनरली नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड हो रही है। निकल पे अब 0.5% की गेंस देखने को मिल रहे हैं, 695 का मौजूदा स्तर, यानी कि 4 रुपए की तेजी। M6 पर जिंक जो है वो फ्लैट, मिलाजुला संकेत, मिलाजुले रुझान जो है वो इसमें बेस मेटल से मिल रहे हैं। लेड में मामूली गिरावट 137.50 के लेवल पर। जयप्रकाश गुप्ता जी डायरेक्टर मनी लिशियस, कुणाल शाह साहब हेड रिसर्च निर्मल बैंक से मेरे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। सर जयप्रकाश जी, आपसे पहला सवाल, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेशियस मेटल्स बहुत स्ट्रांग खरीदारी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मौका है क्या खरीदारी करने का, जो डिप मिली है इसमें खरीदना चाहिए या फिर आप मानते हैं प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है? जी गुड मॉर्निंग रजत जी, देखिए यहाँ से थोड़ा चांसेस है कि प्रॉफिट बुकिंग और बढ़े, बट अभी भी अंडरटोन बुलिश है, जैसा मैं पिछले कई दिनों से कहते आ रहा हूँ आपके चैनल पे। दिसंबर तक यहाँ पे अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे डोमेस्टिक फ्रंट पे प्लस इंटरनेशनल जो प्राइसेस है दोनों में यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, बट कल इतनी अच्छी एक रनअप देखने को मिली तो आज प्रॉफिट टेकिंग जरूर हावी हो सकता है, तो वेट एंड वॉच करें। यहाँ पे थोड़ा सा आज डिप मिलता है प्राइसेस पे, उसमें एंटर करें बट बाई साइड पे ही रहें। राइट जयप्रकाश जी, टारगेट्स क्या लेके चल रहे हैं आज के लिए, अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कॉल लेनी हो M6 गोल्ड पर तो क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस रखें और किस लेवल पे कंफर्टेबल होंगे? सर देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे 300 के आसपास अगर लेवल्स आए तो वो एक बेटर लेवल रहेगा, थोड़ा विज़िट करना चाहिए उस लेवल पे। एंट्री अगर होती है तो 30,900 से 31,000 का टारगेट लेके चल सकते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। डॉलर टर्म्स में अगर देखें तो 1,300-1,322 तक का लेवल हो सकता है देखने को मिले। ठीक है कुणाल जी, आपकी अप्रोच क्या है प्रेशियस मेटल्स को लेकर, और जो फेड ने रेट बढ़ोतरी का फैसला नहीं किया इस बार लेकिन अब पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में रेट हाइक होगी, उसको कैसे फैक्टर इन करेंगे इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस और साथ साथ घरेलू बाजार पे आज की कॉल? ठीक है, दोनों में तेजी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों आज करेक्शन आते हैं उसमें बाइंग करना चाहिए, ओवरऑल ध्यान ऊपर का ही है और गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे यहाँ से। टारगेट्स क्या लेके चल रहे हैं सर कुणाल जी? $1,315 कॉमेक्स पे, 30,500 के आसपास में बाइंग के लिए रिकमेंड करूंगा, 30,800 के टारगेट के लिए। अच्छा चांदी पे क्या कॉल है जयप्रकाश जी आपकी? दो सत्रों से यहाँ पर भी अच्छा पुल बैक था, आज थोड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, ट्रेड करना हो सिल्वर पे तो कौन सा एक सपोर्ट लेवल आप मानते हैं कि एक्ट कर सकता है? आई थिंक 43,500 के आसपास का वेट है, वो लेवल पे एंट्री किया जा सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 43,100 का स्टॉप लॉस रखें, 44,200 पहला टारगेट है, और उसके बाद अगर 2 से 3 दिन का व्यू रखें तो ये 44,800 भी देखने को मिल सकता है। चलिए प्रेशियस मेटल्स पे पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग करने की सलाह दी जा रही है, हालांकि आज शुरुआत थोड़ी नरमी के साथ हुई है। कुणाल जी आपका व्यू सिल्वर को लेकर और यहाँ पर क्या टारगेट स्टॉप लॉस सेट करें आज के लिए? सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अराउंड 43,800 के आसपास बाइंग करना चाहिए, टारगेट रखना चाहिए 44,200 का और स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 43,650 का। चलिए 43,650 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, तेजी पकड़ सकती है, बाय एंड डिप्स
के दोनों ही कैंडिडेट सोना और चांदी उभर कर आए हैं। अब क्रूड, जयप्रकाश जी कॉल बताएं, क्रूड पे अच्छी बिकवाली हो गई आज, एक बाउंस बैक शो कर रहा है और 1% अच्छी खरीदारी है निचले स्तरों से, ये बढ़ सकती है क्या इंट्राडे बेसिस पे? नहीं, ये तेजी मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा सस्टेनेबल रहेगी, क्योंकि अभी भी फंडामेंटल्स वीक हैं। जो करेक्शन था वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था प्राइसेस पे, बट वेट करें यहाँ पे बाउंस बैक का। $46 या $46.2 अगर WTI जाता है, वहाँ फिर से बिकवाली की रणनीति ढूंढे। मेरे ख्याल से मौजूदा लेवल पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। 3090 से 3100 का लेवल अगर मिलता है तो वहाँ पे बिकवाली करें। 3160 से स्टॉप लॉस प्राइसेस हो सकता है। फेड की जो, सॉरी, ओपेक की जो बैठक है उससे पहले 2950 तक का लेवल भी देखने को मिलेगा। कुणाल जी, आपका व्यू आज के लिए क्रूड पे रणनीति और साथ साथ जो भी ओपेक बैठक की बात हुई, कितना बड़ा एक नेगेटिव ट्रिगर एक्ट कर सकता है सर, कहां तक जा सकता है क्रूड? जी मुझे बहुत ज्यादा मंदी नहीं लग रही है क्रूड में। ओके, मुझे लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस यहाँ से कोई भी करंट डिप आती है उस पर बाइंग करना चाहिए। एनीथिंग बिलो 3020 इज अ गुड बाय, और 2980 में बाइंग के लिए रिकमेंड करूंगा। लंबा स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2900 का, और मुझे लग रहा है फिर से क्रूड ऑयल सारे 3100-3200 के लेवल आपको दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, बेस मेटल्स पे व्यू बताएं सर, अगर आज के लिए दो बेस मेटल्स पिक करने हो जयप्रकाश जी तो कौन से होंगे और क्या कॉल होगी, खरीदारी की या फिर बिकवाली की? नहीं, कॉपर मुझे लगता है 311 से एक अच्छा खासा रन अप है 329-30 तक का, तो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो 329 के आसपास मैं सेलिंग की राह सलाह दूंगा प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। 332 का स्टॉप लॉस रखें, 324 तक का इंट्राडे में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पिक अगर देखें तो जिंक रहेगा 150-160 के आसपास, इसमें बाई की सलाह दूंगा 157 के स्टॉप लॉस से 165 का टारगेट लेके चल सकते हैं। कुणाल जी, बेस मेटल्स पे आपका व्यू, आज काफी मिक्स यूज देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी तेजी या फिर मंदी किसी भी बेस मेटल्स पे नहीं मिल रही आज के सत्र में? बेस पे भी मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, किस बेस मेटल में कॉपर बाइंग करनी चाहिए? 328 के लेवल पे, और ऊपर में टारगेट रखने चाहिए 332। कुणाल जी आखिरी सवाल आपसे, आज के लिए कोई एग्री कॉमोडिटी बताएं जहां पर आज ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एग्री कॉमोडिटी में मेरी राय में आपको यहाँ से सोयाबीन बेचना चाहिए, अगर इसका प्रेशर बढ़ेगा तो प्राइस नीचे जाएंगे, 3000 के टारगेट तक नीचे। चलिए कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जयप्रकाश गुप्ता से आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉमोडिटी मार्केट पे आज की अप्रोच बताने